ईसा ने कहा, ईश्वर की इच्छा यह है उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। रोटियों के चमत्कार के बाद प्रभु यीशु और शिष्य समुद्र पार कर कफरनहूम पहुंच गए, लेकिन भीड़ वहीं रह गए। दूसरे दिन भीड़ इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य वहाँ नहीं हैं। वे समझ गए कि यीशु और शिष्य समुद्र पार कर कफरनहूम गए हैं, तो लोग भी उनके पीछे पीछे नाव पर समुद्र पार कर कफरनहूम पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वे यीशु से पूछते हैं, गुरुवर आप यहाँ कब आए? और ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। प्रभु ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि तुम लोग रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो इसलिए तुम ढूंढते हैं, इसलिए नहीं, ईश्वर की ओर से एक चमत्कार हुआ है। ईश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति एक चमत्कार आप लोगों के सामने दिखाकर ये साबित कर दिया है कि वो ईश्वर की ओर से आए हैं, लेकिन ऐसे विश्वास के कारण तुम नहीं ढूंढते हैं, रोटी प्राप्त हुआ इसलिए ढूंढते हैं। अक्सर हम ऐसे ही हैं, जहाँ से हमें कुछ प्राप्त है, हमें कुछ मिल सकता है, चाहे वो इस सांसारिक जीवन के लिए हो, तो उसी के पीछे लोग जाते हैं, उसी का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, पैर पड़ते हैं। जब तक मिलते रहेंगे तब तक उनके पीछे रहेंगे, और जब कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है, मिलना बंद हो जाते हैं, तो उसे तिरस्कृत करते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने ये बात स्पष्ट रूप से उन्हें बताया और उन्होंने उनसे कहा, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। भोजन नश्वर भी है और अनंत जीवन तक बना रहता है, ऐसा भी भोजन है। क्या है वो भोजन? वो अनंत काल तक बना रहता है, वह है ईश्वर का वचन, वह है प्रभु यीशु क्रिस्त, वह है जो ईश्वर से आए हुए परम पावन पुरुष। और प्रभु ने चाहा कि सब वही भोजन के लिए ललायत रहे। और आगे कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। ऐसे भोजन देने का अधिकार मानव पुत्र को दिया है। और प्रभु आगे कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आज भी ईश्वर की इच्छा यह है कि जिसने ईश्वर ने इस संसार में
मुक्ति के लिए भेजा है उसमें विश्वास करो, उनके आदेशों को मानो, उनके साथ चलो। उन्होंने जो आदेश दिया है उसे अपनाओ और उसी के अनुसार जीवन बिताओ, यही ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा जो पूरी करते हैं वो प्रभु से अलग नहीं हो जाते, प्रभु के साथ ही रहते हैं। साथ ही रहते हुए ईश्वरीय इच्छा पूरी करना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस सांसारिक भोजन के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक भोजन के लिए भी लालायित रहे और सदा ईश्वर की इच्छा पूरी कर सके। आमीन।